सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज है अपने सर्वाइवल वीडियो की सातवीं लास्ट वीडियो गाइस। इससे पहले मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अपने सर्वाइवल वीडियो की, एंड ये है अपनी सातवीं वीडियो। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या मेरे को 7 वीडियोस कंटिन्यू डालनी चाहिए, ऐसा नहीं पूछा था कि मैं रोज एक वीडियो डालूंगा, मैंने बस पूछा था कि मेरे को डालनी चाहिए या नहीं। सो उस पर एक ही कमेंट आया है, वो है हाँ। सो इसीलिए गाइस, मैंने सारी 7 वीडियो यहाँ पे, मतलब 6 वीडियो मैंने डाल दी है अपने चैनल पे, एंड ये है अपनी लास्ट वीडियो गाइस। अभी फाइनली मेरे को ब्रेक मिलेगा यार इससे, भाई मैं चीजें बना बना के लिटरली थक चुका हूँ गाइस। तभी गाइस कल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग चले एडवेंचर पे गाइस। हम लोग अपने सर्वाइवल वीडियो में जाने वाले हैं आज एडवेंचर पे। काफी टाइम हो गया मेरे को अपने इसी एरिया में घूमते हुए, मतलब इसी वर्ल्ड में घूमते हुए, मेरे को आज आजू बाजू का पता ही नहीं है। मतलब एक दो डायरेक्शन का पता है, लेकिन उससे ज्यादा का मेरे को मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो मैं डीप स्लेट को माइन कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। यहाँ पे मैंने एक गधापंथी कर दी थी, सॉरी, इसीलिए मेरे को यहाँ पे इसको दोबारा से माइन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको ना मुझे पता नहीं था कि ये मतलब सिल्क टस लगा हुआ है मेरी इस डायमंड की पिकेक्स के अंदर, एंड मैंने इसको माइन कर लिया सीधा। जबकि इसकी हम लोगों को टाइल्स एंड ब्रिक्स बनाने के लिए लगता है कबल स्टोन डीप स्लैट, और मैंने इसको सिल्क टस से माइन कर लिया, जिससे बाद में मेरे को पता चला कि भाई इसको कबल स्टोन में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फिर जाके ये बनता है। तुम लोगों को पता है गाइज, मैं इतना भी बड़ा नूब नहीं हूँ, मेरे को इसके बारे में सीरियसली नहीं पता था। अगर मेरे को पता होता तो मैं यार, क्योंकि मैंने डीप स्लेट की कुछ भी चीज़ नहीं बनाई है, सो इसलिए मेरे को नहीं पता था कि डीप स्लेट के साथ मतलब कैसा क्या मतलब होता है डीप स्लेट, ठीक है। और ये फर्स्ट ही मेरा होने वाला था प्रोजेक्ट डीप स्लेट के साथ, जो कि मैं अपने वहां पे करने वाला था, वो जो माइनिंग एरिया जो मैंने बनाया है ना। बाकी तुम लोग पीछे की तरफ देख सकते हो गाइज, मेरा ब्रिज भी यहाँ पे बन के तैयार है पूरा। तो मैं डीप स्लेट का काम वहीं पे करने वाला था, मेरे को लगा मैं अपने नीचे वाले बेस के अंदर ना वो डीप स्लेट लगाने वाला हूँ, सो इसीलिए मैंने डीप स्लेट को माइन किया नीचे से, बट फिर वापस से दोबारा माइन करना पड़ रहा है मेरे को इसे। अभी क्या करूँ भाई, जैसी किस्मत है, अभी क्या ही कर सकते हैं। ओ, यहाँ का ब्लॉक कहाँ गया, गलती से मैंने ही माइन कर दिया होगा, मेरे को पता है ये मेरा ही काम है, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं करता। एंड यहाँ पे मैं तुम लोगों को अपना ब्रिज बताता हूँ गाइस। ब्रिज तुम लोग देखोगे ना भाई, तुम लोग बहुत चक्के रह जाने वाले हो। ये देखो गाइस, ये है मेरा एपिक ब्रिज यहाँ पे। सी गाइस, कितना मस्त ब्रिज बनाया मैंने, बनाया ताकि मेरी बोट भी निकल जाए और ब्रिज भी मेरे रास्ते में नहीं आए। ओके, मैं तुम लोगों को बता क्यों रहा हूँ यार, मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ ना भाई, इजी वे में यार, आराम से तुम लोगों को करके दिखाते हैं। मैं आया एंड यहाँ पे बेटा, ओके, इस तरफ से नहीं जा रहा मैं, इस तरफ से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोट पहले से ही कम है, ठीक है। सो यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं बैठा, एंड रुको, इसको हटा देते हैं पहले सामने से अपनी शील्ड को, लेट्स गो। जैसे यहाँ से आया मैं, एंड मेरे को जाना है इस तरफ, सो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ से निकलेंगे इजी वे में, लेट्स गो गाइस। देख रहे देख रहे हो मेरा 200 IQ यहाँ पे, बहुत मनुष्य लग रहा, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो लेट्स गो, अभी के लिए ना मैं फूड लेने जा रहा था ना, मैं फूड लेने जा रहा था, भूल गया भाई। लेट्स गो, फटाफट चलते हैं ऊपर गाइस, टाइम बहुत लगने वाला है, सो इसीलिए थोड़ा बहुत एक स्टैक, बस एक स्टैक हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेके चलने वाला मैं, बस कहूँ इससे चढ़ चढ़ के। सो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक स्टैक बीफ का एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे पता नहीं ना मैं कितना क्या दूर है। सो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से मैं MLG बिल्कुल नहीं करने वाला, सो ऐसा एक्सपेक्ट करो भी मत तुम लोग कि मैं यहाँ से MLG करूंगा, भाई गधा थोड़ी हूँ, पर इतना बड़ा भी नहीं कि वहां से करूंगा, भाई एक बार कर ली बहुत है। सो गाइस, मैं इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं आया ही इसी तरफ से हूँ, ठीक है, अपने वर्ल्ड की शुरुआत ही इसी तरफ से आने से हुई है। ओके, सो मैं इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, एंड इस तरफ भी मैं काफी आगे जा चुका हूँ, क्योंकि इस तरफ है अपना XP फार्म, ठीक है, वो यहाँ से काफी दूर है लिटरली, सो इसीलिए इस डायरेक्शन में मैं जा चुका हूँ। बची ये वाली डायरेक्शन एंड ये वाली डायरेक्शन, ओके, सो ये वाली डायरेक्शन में भी मुझे लगता है जहां तक, ओके, मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे आगे विलेज, ओके ओके, मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा आगे गया हूँ बट गया हूँ, लेकिन इस वाली डायरेक्शन में गाइस मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। सो इसलिए मुझे लगता है हम लोगों को इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस तरफ गए ही नहीं है। सो लेट्स गो, फटाफट से हम लोग चलते हैं इसी डायरेक्शन में, अपने सारे आर्मर सारे चीजें एकदम फुल्ली HP के साथ है। 1 minute 37 seconds later. ओके, आई थिंक इस तरफ भी ना ओशन ही है मेरे को लग रहा है, ओके, नहीं नहीं नहीं, आइलैंड है, थोड़ा सा आइलैंड है, मुझे लगा यहाँ पर ओशन ही है, क्योंकि दूर से क्या एरिया रेंडर नहीं हो रहा था ना, इसीलिए। अब
अभी पहाड़ को हम लोग यहाँ से इस तरफ से जाने वाले हैं क्योंकि पहाड़ को ना क्रॉस करना जरूरी है एंड मैं अपने साथ ग्लोब भी नहीं लेके आया। नाइस, मतलब इसको हेलो वेट हेलो मेरे को यहीं पे सीरियसली ये वही है। मैं को एक मिनट जरा इसका पास जाने दो प्लीज 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 प्लीज, मैं थोड़ा बहुत चक्का हो चुका हूं यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, यहीं पे है अपने ये बायो। व्हाट भाई, अभी तो मैं अपने घर से जस्ट निकला था। ओ भाई भाई, ओ आराम से आराम से आराम से। ओ भाई सब ये बिल्कुल मेरे घर के बाजू में है ये। हेलो, ये कोको सीडी है ना? ओ भाई साहब, कोको सीडी है गाइस ये। लेट्स गो, ये तो मेरे घर के बिल्कुल बाजू में है भाई। मेरे को तो ज्यादा चलना भी नहीं पड़ा, मुझे लगा कि ये बहुत दूर होगी इसलिए मैं अपने साथ इतना सारा खाना लेके आया था, सैडल लेके आया था, बट नहीं, ये इतने बिल्कुल पास में है भाई यार ये। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से इजीली सामान को लूटेंगे, बट हम लोग आगे जाएंगे। ओके, हम लोग आगे जाने वाले हैं। मेरे प्यारे बैम्बूज मुझे दिख चुके। ओ भाई साहब, ये तो पूरा बैम्बू जंगल है यहाँ पे। लेट्स गो लेट्स गो, फटाफट से मैं यहाँ पे अपने बैम्बूज को कलेक्ट करता हूँ गाइस। लेट्स गो, अबे मेरे पास एक से मैं हाथ से क्यों आए तोड़ रहा हूँ यार। लेट्स गो लेट्स गो, जिस चीज की मुझे नीड थी यहाँ पे वो तो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर ही लिए भाई साहब। मेरे को सीरियसली नहीं लगा था गाइस कि ये इतना पास में होगा। ओ भाई साहब, ये इतना पास में, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सीरियसली। ये बहुत ज्यादा पास में मेरे घर के। यहाँ से पांडास वगैरह को भी लेके जाना इजी होगा। एंड लेट्स गो, पांडा का नाम लिया, पांडा हाजिर। वाओ पांडा, और ये कौन सा पांडा है मेरे को ये देखना। अबे मुंडी मत घुमा भाई, इधर देख। ओके, ये आई थिंक नॉर्मल वाला है, मेरे को लग रहा है ये नॉर्मल वाला है। और यहाँ पे देखो पूरा बाम्बू ही बाम्बू है हर जगह पे देखो, क्योंकि हम लोग आए हैं बाम्बू जंगल के अंदर है भाई साहब। कितना सारा बाम्बू है एंड बाम्बूज के अंदर ये देखो यहाँ पे पांडास फंसे पड़े हुए कितने सारे। ये फंसा पड़ा हुआ है ना पांडा फंसा। अबे मैं भी फंस गया क्या? ओके नहीं नहीं ओके। अबे यार तुम लोग अपना फेस क्यों नहीं दिखाते मेरे को भाई, की शर्म मेरे से। ओके तो ये भी नॉर्मल वाला पांडा है अपना। ओके तो तेरे को यहाँ से हम लोग आजाद करा देते हैं। लेट्स गो, फिर कभी तेरे को अपने साथ लेके चलूंगा मैं, अभी नहीं लेके जा रहा। ओके अभी तो मेरे को ये पूरा एक्सप्लोर करना है, देखना है भाई कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या पता हम लोगों को यहाँ पे वो चीज भी मिल जाए। समझ रहे हो ना तुम लोग, जंगल टेम्पल गाइस। बहुत टाइम हो गया भाई जंगल टेम्पल को देखे हुए, आई थिंक मैंने देखा ही नहीं है अभी एक बार। ओके लेट्स गो। ओ ओ गाइस, यहाँ पे हम लोगों को ब्राउन पांडा मिल गया। ओ भाई मैंने सुना ये बहुत रेयर होता है ये। ओ भाई साहब, हम लोगों को यहाँ पे ब्राउन पांडा मिला है सीरियसली, बट मैं अभी तक यहाँ पे जंगल में घूमा ही नहीं हूँ यार। मेरे को घूमना है यार, मैं प्लीज भाई यार, तू यार अभी क्यों मिला मेरे को, थोड़ा लेट मिलता था कि मैं तेरे को अपने घर पे लेके जा सकता। भी कोई बात नहीं, अभी मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोट में बिठा दूँ क्या? ये डिस्काउंट तो नहीं होगा ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक बोट अपने लिए। देख भाई तू यहाँ पे बैठ आराम से एंड तू डिस्काउंट मत हुई, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस डिस्काउंट मत हुई तू। ओके ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं एंड अभी हम लोग चलते हैं वापस से जंगल के अंदर की तरफ, थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। एंड यहाँ से तो आई थिंक मैं आया था ना। ओके इधर से मैं आया था, अभी इधर चलते हैं। यहाँ पे एक तो चारों तरफ बाम्बू है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से आया हूँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं। वैसे और कुछ अभी तक मेरे को दिखा नहीं है ऐसा, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे घूमते घूमते। जंगल टेम्पल अगर दिख जाता ना भाई तो मजे आ जाते यार मेरे को। आज ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती मेरे लिए। मेन जंगल इस तरफ लगता है गाइस, काफी बड़ा मेरे को इसी तरफ लग रहा है भाई। ये जंगल मेन इधर है, उधर तो छोटा सा ही एरिया था गाइस। जंगल बहुत बड़ा है सीरियसली, जंगल बहुत बड़ा है। मैं काफी अंदर आ चुका हूँ यार जंगल के। ये देखो तुम लोग कितना बड़ा जंगल है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो हम लोगों को ना वो मिलेगा ही मिलेगा। एक और पांडा, और ये आई थिंक क्राइंग पांडा है, मेरे उसकी नाक बहती हुई दिखी थी। क्या ये क्राइंग पांडा है? प्लीज से क्राइंग पांडा नहीं है, ये स्माइली पांडा है, मेरे को लगा ये क्राइंग पांडा है। ओ मेरे को पम्पकिन की जरूरत थी, नाइस मेरे को पम्पकिन मिल गया यहाँ पे। लेट्स गो, मेरे को पम्पकिन की सीड की जरूरत थी। कलेक्ट हो गए सारे के सारे पम्पकिन अपने। लेट्स गो, ओ लेट्स गो फाइनली, लेट्स गो गाइस, हम लोगों को यहाँ पे अपना जंगल टेम्पल मिल गया। लेट्स गो, मेरे को लगा मैं क्लच कर लूंगा बट नहीं। लेट्स गो, ओ भाई साहब कितनी रिस्की जगह पे मिला है, वो भी देखो तुम लोग। ओ भाई क्या ही खतरनाक है यार। आज की वीडियो गाइस सीरियसली वाइज बहुत मजेदार हो गई है। आज की वीडियो में मेरे को अपना
पहला जंगल टेंपल मिल गया, वो भी थोड़ी ही देर में। मेरे को यहाँ पे आज ब्राउन पांडा भी मिल गया है एंड यहाँ पे मेरे को जंगल टेंपल भी मिल गया है। अभी मेरे को लगता है ना मेरे को ऊपर से जाना पड़ेगा क्योंकि अब एरोस की आवाज कैसे आ रही है। मेरे को लग रहा है ना मेरे को ऊपर से ही जाना पड़ेगा। मेरे पास टॉर्चेस है क्या? 21 है तो लेट्स गो। नीचे मेहमान मेरा वेट कर रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो। पहले इन मेहमानों को हम लोग क्लियर करेंगे। ओ भाई भाई, भाई मैं कहाँ गिर? ओ शिट, हेलो। ओके तो ही तो हो तुम लोग है ना, तो ही तो हो। लेट्स गो। ओके मैंने अपना बेड कहाँ पे रख दिया? शिट, मैंने अपना बेड कहीं पे रख दिया है। ओके नाइट तो स्किप नहीं कर सकता बट यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस तो कर ही सकते हैं। ये मेरा पहला गाइज ये है, मैंने देखे हुए तो बहुत है ये बट मेरे को फर्स्ट टाइम मिला है। ओके तो मेरे को यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम है। ये पता नहीं ये क्या चीज है। ओ लेट्स गो, कुछ खुला यहाँ ऊपर की तरफ खुलता है ना? अरे यार यहाँ खुलता है यार, ठीक है मेरे को तोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे को पता है भाई, मैं देखो तुम लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को मालूम है इसके बारे में। यहाँ कहीं पे वो भी होती है, ये देखो यहाँ पे यहाँ पर ये होती है ना, स्ट्रिंग्स की बात कर रहा था मैं। ये स्ट्रिंग्स और भी होती है आई थिंक यहाँ कहीं पे। नहीं ओके वहां होती। भाई 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 ये देखो गाइस, मैं इन्हीं की तो बात कर रहा था यहाँ पे। लेट्स गो। ओके या तो यहाँ पे अपना खजाना हम लोगों को मिल चुका है, वो है ये अपना, ये मतलब ये नहीं, ये अपना चेस्ट। देखते जरा इसके अंदर क्या होगा। ओके तो काफी सारा गोल्ड है यहाँ पे। नहीं और एक चेस्ट और होती है यहाँ पे, मेरे को मालूम है यहाँ कहीं पे एक चेस्ट और होती है आई थिंक यहाँ पे। लेट्स गो, ये रहा गाइस चेस्ट, यही मैं कहा था। ओके ठीक है, मैं इन सब आइटम को लेने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे स्टिकी पिस्टन्स वगैरह ये सब है ना, सबको ले रहा हूँ मैं। ओके तो चेस्ट में भी देख लेते हैं, चेस्ट में। लेट्स गो गाइस, तीन डायमंड मुझे यहाँ पे मिल गए भाई साहब। तीन डायमंड मिले और काफी सारा मेरे को ये मिला भाई, ये मेरे लिए काफी मस्त रहा, सीरियसली ये मेरे लिए बहुत एपिक रहा ये। सो गाइस आज तो मैं नहीं जाने वाला भाई अपने घर पे क्योंकि बाहर हो रही है नाइट, मॉर्निंग होते मैं यहाँ से निकलूंगा। अभी तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला गाइस, अभी मैं अपनी इस जो ट्रेजर मेरे को मिला है ना उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई अभी तो। सीरियसली बहुत मस्त सी लूट मिली है मेरे को यहाँ पे, तो अभी तो मैं यहाँ से नहीं जा रहा। सो गाइज अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मार देना, इन चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा देना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेमिंग वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।